हेलो गाइज, माय नेम इज शैलेश प्रधान और वेलकम बैक टू द मैकेनिकल प्रधान चैनल। जी हाँ, मैं भाई प्रधान विंग्स और टेक्निकल यारी को छोड़ नहीं दिया हूँ, वो तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है आखिर मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने अभिषेक प्रधान, इंजीनियर अभिषेक प्रधान जी के चैनल से कोलैब करके मैं भी अपनी वीडियोस इसमें डाला करूंगा। मेरी खुद की एक कुछ इसमें प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रखा है, वो तो खैर आएंगे ही, मैं भी साथ साथ आता रहूंगा, मतलब कि गांव की बिजली की तरह आता जाता रहूंगा, आपसे मिलता रहूंगा। तो आज का जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है सीआई इंजन और एसआई इंजन, ये होते क्या हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कार या बाइक। जी हाँ, ये तीनों टर्म्स कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चल करके सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि जो सीआई इंजन होता है उसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। यहां पर क्या होता है कि फ्यूल जो है वो कंप्रेस्ड होकर जलाया जाता है, और वहीं अगर एसआई इंजन की बात करें तो यहां पर होता है स्पार्क प्लग इग्निशन इंजन, मतलब कि जो फ्यूल जलता है, कंबशन होता है, जो दहन होता है सिलेंडर में, वो एक स्पार्क द्वारा होता है। तो चलिए मैं एसआई इंजन को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अब दोस्तों एसआई इंजन में क्या होता है कि पहले तो बता दूं कि एसआई हो या फिर सीआई इंजन हो, उसमें चार स्ट्रोक तो होने ही है। पहला क्या होता है कि पिस्टन जो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है, मतलब कि ऊपर से जब नीचे की तरफ मूव करता है तो इनलेट वॉल्व खुल जाता है। इनलेट वॉल्व वो वॉल्व है जहां से हमारा फ्यूल जो है सिलेंडर में आता है, तो जो तेल है, फ्यूल है, वो सिलेंडर में आ जाएगा, इनलेट वॉल्व खुल जाएगा। दूसरा स्ट्रोक जो है ऊपर की तरफ, मतलब कि जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर जब पिस्टन बढ़ेगा, तो क्या होगा, इनलेट वॉल्व बंद हो जाएगा और जो फ्यूल है वो सिलेंडर में रहेगा और दबने लगेगा, क्योंकि पिस्टन ऊपर आ रहा है तो फ्यूल जो है वो दबने लगेगा। और दोस्तों जब पिस्टन जैसे जैसे ऊपर आएगा, फ्यूल दबता जाएगा, तो दोस्तों जैसे जैसे दबेगा फ्यूल जो है गर्म होगा। अगर इसका अगर आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं तो दोस्तों, जो अगर आप साइकिल से पंप से जो हवा भरते हो, तो दोस्तों जब आप हवा भर लेते हो तो देखना जो पंप होता है वो एकदम गर्म हो जाता है। क्या होता है, वहां पर भी कंप्रेशन होता है, जो हमारा पंप ऐसे हम लोग दबाते हैं तो एयर उसमें जो है दबती है, गर्म होती है। उसी तरह यहां पर आपका फ्यूल जो है वो गर्म होता जाएगा, और जैसे ही स्पार्क प्लग से टकराएगा वहां पर एक छोटी सी चिंगारी जनरेट होगी और पूरा फ्यूल जल जाएगा, और जलते ही जो है एक ब्लास्ट होगा, एक धमाका होगा छोटा सा, जिसकी वजह से पिस्टन वापस बीडीसी की तरफ झटके से वापस जाएगा। और जब झटके से वापस जाएगा दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। जी हाँ, यहां पर हमें पावर मिल गई, ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होते ही हमें पिस्टन को जो है उसने पीछे धकेल दिया। जैसे ही पीछे धकेला तो हमको जो है एक पावर मिला, वो पावर जो है नीचे क्रैंक शाफ्ट लगा होता है उस पर जो है हमें मूवमेंट मिलती है, तो जो हमें पावर मिलती है इसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। अब उसके बाद दोस्तों वापस जब पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा, तो जितनी भी जली हुई गैसें हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व की मदद से बाहर की ओर निकल जाती हैं। ये चारों स्ट्रोक होते हैं, मतलब कि पहला जो हो गया वो सक्शन, जिसमें हमारा पेट्रोल सिलेंडर में आता है। दूसरा होता है कंप्रेशन, मतलब कि जो हमारा फ्यूल है वो कंप्रेस हो रहा है, पिस्टन ऊपर की ओर आ रहा है। तीसरा जो होता है वो होता है दोस्तों पावर स्ट्रोक, यानी कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और हमें जो है पावर मिल जाती है, पिस्टन बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है, और यही पावर का यूज हम करेंगे रोटरी मोशन। हमें पिस्टन तो खैर नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है, लेकिन दोस्तों हमें वहां पर क्रैंक शाफ्ट का यूज करते हैं, तो क्रैंक शाफ्ट जो है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है, तो ये हमारा पावर स्ट्रोक हो जाता है। और वापस जब हमारा सिलेंडर ऊपर की तरफ जाता है तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, मतलब कि सारा जो भी धुआं धक्कड़, जो भी हमारा गैस बना हुआ है, वो सारा चीज एग्जॉस्ट वाल्व की मदद से बाहर चला जाता है। तो यहां पर दोस्तों जो एसआई इंजन का जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो होता है दोस्तों यहां का जो मैंने स्पार्क प्लग बताया। जी हाँ, ये स्पार्क प्लग से ही यहां पर जो है फ्यूल बर्न होता है, एक छोटी सी चिंगारी और पूरा ब्लास्ट, और जो है हमें पावर मिल जाती है। वही अगर बात करते हैं सीआई इंजन में आते हैं दोस्तों, तो सीआई इंजन का जैसे आप नाम सुन रहे हो, यहां पर कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि सारा जो भी प्रोसेस है सब सिमिलर होगा, बस यहां पर आपको स्पार्क प्लग देखने को नहीं मिलता है। अब यहां पर भी देखो, जैसे दोस्तों पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर जब जाएगा, तो सक्शन वॉल्व खुल जाएगा, इनलेट वॉल्व खुल जाएगा, और फ्यूल जो है, तेल जो है सिलेंडर में आ जाएगा। फिर वापस जब हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा, तो हमारा फ्यूल कंप्रेस होने लगेगा, और इतनी हाईली रेशियो तक कंप्रेस होगा, इतनी हाईली रेशियो तक कंप्रेस होगा कि दोस्तों वो फ्यूल जो है दबते 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 अपने आप गर्म होकर के बर्न हो जाएगा, खुद ब खुद बर्न हो जाएगा, और बर्न होते ही वो जो है ब्लास्ट करेगा और जो है तुरंत हमें पावर मिल जाएगी।
यानी कि यहाँ पर स्पार्क प्लग इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हमारे पिस्टन जो है दबाव बना रहा है फ्यूल को गर्म करने के लिए और गर्म करके ही ब्लास्ट कर दे रहा है, जिससे हमें जो है पावर मिल जा रही है, पावर स्ट्रोक हो जा रहा है। और पावर स्ट्रोक के बाद जब फिर वापस पिस्टन बीडीसी से ऊपर टीडीसी की ओर आएगा तो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा और हमारा फ्यूल बाहर की तरफ निकल जाएगा। यही कुछ प्रोसेस है। अब दोस्तों ऐसा इंजन जो है ज्यादातर मोटरसाइकिल में यूज होते हैं, बाइक्स में यूज होते हैं, कुछ कारें भी हैं जैसे अल्टो वगैरह में भी है ऐसा इंजन यूज होता है, लेकिन ज्यादातर जो कारें हैं वो सीआई इंजन यूज करती हैं, कंप्रेस्ड इग्निशन यूज करती हैं। आई होप दोस्तों कि आपको एसआई सीआई इंजन क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके भी कुछ दो पार्ट्स बनते हैं। अब दो पार्ट्स में होता क्या है कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक दो इंजन होते हैं, जिसको हम आगे दूसरे वीडियो में समझेंगे, कैप्चर करेंगे। मेरा आज का जो टर्म था वो आपको सीआई और एसआई इंजन को क्लियर करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह के नॉलेजेबल और इजी वे में मैकेनिकल, अगर आप इंडस्ट्रियल से बेल्ट से जुड़े हुए हो या इंजीनियर हो या फिर आपको अंदर मैकेनिकल टर्म्स को लेकर के क्यूरियोसिटी होती है, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को इनेबल जरूर कर देना। तो बस वीडियो इतनी थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।